रखेंगे। देखो एक्साइज तो स्टेट छोड़, कार्य करता ही करता धरता रहता। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे कल? कल ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे ऐसा लगता है मुझे। आप मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे? हाँ, बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी, इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस, वो तो पहले से ही है, 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। तो पीएम के साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे, और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते, वो लगाना उचित भी नहीं है, पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा हो, साधारणतः हम उनके ही पोस्टर का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने, और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है, ये एक विशेषता है हमारी। जैसे दिलीप घोष जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा अभी मैं टीम का कैप्टन, मैं हूँ प्रदेश में, तो दावा तो स्वाभाविक मेरा भी है। नहीं, दावा तो किसी का भी हो सकता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, फेस उनका है सामने, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पर ये निर्णय हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, जब विधायक दल की बैठक होगी वो अपना नेता चुनेंगे, फिर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वो उसको सहमति प्रदान करेंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। इसलिए हमारे यहाँ ये कल्पना करना कि ये मुख्यमंत्री होगा ही, ये बड़ा मुश्किल है। तो आइए ज़रा मैदान में देख लेते हैं कौन किस तरफ क्या होगा। ये बताइए, तो इतना आप 6 साल से हैं लगभग यहाँ पे? हाँ, लगभग, और छठा साल चल रहा है मुझे। तो कैलाश विजयवर्गीय को जीत का क्या मिलेगा? नहीं, इसके लिए तो काम ही नहीं करते हैं कभी। क्या मिलेगा? जीत मिलेगी बंगाल की, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल में अवैध गतिविधियां बंद होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है जहां पर घुसपैठिए आते हैं, जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, वो बंद होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये माफिया राज समाप्त होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये तो ऊपर मंच पर प्रधानमंत्री रहेंगे, सामने किनको देखा जाएगा? क्या बोले? सामने सबसे आगे कौन रहेंगे? नहीं, आगे तो आप लोग रहेंगे पत्रकार। अच्छा। पत्रकारों के लिए, क्योंकि पत्रकार प्रजातंत्र का चौथा खंभा है, और मुझे लगता है कि 300-400 पत्रकार सारे देश भर से आएंगे, सब सामने ही रहेंगे। वो सामने रहेंगे, और उसके पीछे फिर आपके अलग अलग यूनिट, सब जनता रहेगी, जनता जनार्दन रहेगी। लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड से बुला रहे हैं लोग अपने यहाँ पे, लोग मतलब जो विपक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड से लोग बुला रहे हैं, आपके अपने लोकल नहीं मिलेंगे यहाँ? एक आध कैमरा वैमरा लगा दें सब दूर की, झारखंड से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो देख लेंगे, क्योंकि आजकल तो विजुअल इतने शार्प हैं कि कहीं से भी कोई बता सकता है कि ट्रेन झारखंड से आ रही है या बस झारखंड से आ रही है, तो पता लग जाता है। इसलिए ये हमारी ताकत को ये बताना चाहते हैं कि ये इनकी ताकत नहीं है, ये बाहर की ताकत है। बाहर की ताकत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, और बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी जस्सी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है, पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे मुख्यमंत्री का, सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो
हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ, मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। ये बताइए दीदी को अब बेटी कहा जा रहा है, बंगाल की बेटी कहा जा रहा है, और आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए हम तो बाहरी हैं, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ, मेरे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का काम करने आया मैं, पर ये ज्योतिर्मय जी हैं, ये यहाँ के सांसद हैं, ये स्थानीय दिलीप दास स्थानीय, सब स्थानीय, यहाँ जितने भी पार्टी के मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेगा सब स्थानीय बनेगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बनेगा। प्रकार के सेंटीमेंट्स पैदा कर रही हैं बंगाल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी है, हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी बाहरी, कभी मोदी जी को बाहरी कहती है, कभी नड्डा जी को बाहरी कहती है, कभी अमित शाह जी को बाहरी कहती है। अरे भाई हमारी अखिल भारतीय पार्टी, और आप सब जानते हैं कि हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ जनसंघ, जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। हम बाहर के कैसे हुए? बल्कि ममता जी खुद, मुझे पता लगा कि वो बांग्लादेश से आई यहाँ पर, वो बाहरी, हम बाहरी कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ की पार्टी है, यहाँ के नेता का आशीर्वाद है, और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, सिर्फ विकास, डेवलपमेंट, टोलाबाजी समाप्त, माफिया समाप्त, एक स्वच्छ प्रशासन, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हमारे इश्यूज। कोई हिंदू मुस्लिम की बात आप नहीं करेंगे पूरे चुनाव? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। उससे आपको फायदा भी तो होता है, लेकिन फायदा और नुकसान की बात नहीं है, जनहित में, देशहित में और समाज हित में क्या हम उसी लिए काम करते हैं। आखिर में कैलाश जी, जो हैं जहां आप ज्यादा ताकतवर हैं वहां सीटें कम हैं, और जो जिले जहां वो ताकतवर हैं वो सीटें ज्यादा हैं, तो इस वाले मैथमेटिक्स को कैसे बदलेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है। देखिए सारे मैथमेटिक्स बदलेंगे, हम 200 सीट जीतेंगे, और कहां कहां से जीतेंगे? जहां हम खड़े हैं ये पूरा इलाका ऐसा माना जाता है कि TMC का कब्जा है, सबसे ज़्यादा सीटें हम यहीं से जीतेंगे, और बाकी जहाँ से जीतेंगे उतना जीतेंगे। जय श्री राम ही होगा, 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो कहती हैं कि यहाँ तो जय सिया राम होता है। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई फर्क थोड़ी है, श्री सीता का ही नाम है। अब किसी में अगर ना समझी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैलाश जी। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ थे इस मोदी जी की रैली से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर।